हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी करियर। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों बीएससी कार्डियक केयर टेक्नीशियंस की, क्योंकि आज हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं मिस्टर अमन। अमन भाई हमारे उत्तराखंड से हैं और ये कर रहे हैं बीएससी कार्डियक केयर टेक्नीशियंस का कोर्स। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर कार्डियक केयर के बारे में बताइए, सिलेबस कैसे पढ़ना होता है, अच्छा कोर्स है कि नहीं। तो कार्डियक केयर टेक्नीशियंस आज आपके सामने है और वही एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताएंगे कि कार्डियक केयर का कोर्स कैसा है, अच्छा है या आप आगे चल के थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो सारी डिटेल आज आपको अमन भाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अमन भाई के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले आज अमन भाई से बात करेंगे कि जो कार्डियक केयर का वो कोर्स होता है वो कितने टाइम का होता है, ड्यूरेशन उसका कितना होता है और कैसे हमें अगर जो इसमें एडमिशन लेना है तो कैसे हमें क्या करना होगा। सबसे पहले अमन भाई आप हमें बताइए कार्डियक केयर का कोर्स जो है वो कितने टाइम्स का होता है और कितना इंटर्नशिप होता है, सारा डिटेल्स उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए आप। कार्डियक केयर का कोर्स है ये वैसे तो कई कॉलेजों में 3 साल, कई में 4 साल, जो मैं कर रहा हूँ हमारा ड्यूरेशन है 4 साल का। 4 साल का और एडमिशन वैसे नॉर्मली नीट के थ्रू और डायरेक्ट एडमिशन भी बहुत कॉलेज करते हैं। मतलब नीट के थ्रू भी आप कार्डियक केयर का एडमिशन ले सकते हैं। जो क्वालिफाइड नीट करते हैं या इनका कट ऑफ अलग होता है, वो हर ईयर के वाइज अलग अलग चलता रहता है। तो आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं और साथ में एक एंट्रेंस यूनिवर्सिटी जो लेती है उसमें भी आप जा सकते हो आराम से। कई सारे ऑप्शन है आपको कार्डियक केयर करने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने ये तो बता दिया यहाँ पे ड्यूरेशन एडमिशन के बारे में, 3 ईयर का कोर्स है और 4th ईयर आपका इंटर्नशिप होता है। फिर आप आगे जो इसमें आपको वर्क क्या करना होता है ये हमारे दोस्तों को आप बताइए कि कार्डियक केयर जो टेक्नीशियंस है इसमें आपको वर्क क्या करना होता है और आगे चल के आप जॉब कैसा करेंगे, तो इसके बारे में कुछ डिफाइन करिए। वर्क ये है कि हम कार्डियक केयर टेक्नीशियन है, नाम से पता चल रहा है हम टेक्नीशियन है। बिल्कुल। फिर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएंगे, हम बीएससी कार्डियोलॉजी। बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने किया, बहुत सही बात है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हैं, मेरे साथ वाले कि उनको भी कंफ्यूजन रहता है कि हम कार्डियोलॉजी कर रहे हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं लोगों को कि हम कार्डियक केयर टेक्नीशियंस करके कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको फिर एमबीबीएस एमडी करना पीजी कोर्स होता है, एमडी वो आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन आप जो करोगे कि बीएससी कार्डियक केयर टेक्नीशियन तो आप कार्डियक केयर टेक्नीशियंस बनोगे, है ना। तो कार्डियक केयर टेक्नीशियंस आप बन सकते हो कार्डियोलॉजी करके, यानी कार्डियोलॉजी तो हमारा डिपार्टमेंट हो गया, जैसे मैं रेडियोलॉजी बताता हूँ उसी तरह कार्डियोलॉजी भी आपका डिपार्टमेंट है और उसके अंदर के जो कोर्स होते हैं वो होते हैं आपका कार्डियक केयर टेक्नीशियंस कोर्स का नाम पड़ता है ना। तो आप सैलरी के बारे में बताइए कि आप जब पढ़ के निकलेंगे यहाँ से तो सैलरी क्या होगी, कैसे होगी। पढ़ के निकलेंगे पहले 1 साल तो हमने इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, फ्री में होता है बिल्कुल, कुछ हमको ये कॉलेज वाले आपको करा के देंगे। फिर आप जब इंटर्नशिप करके आप जॉब पे जाएंगे पहले जॉब, तो आपको 15 से 20 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिलेगी फ्रेशर के तौर पर। 15 से 20 हज़ार के बीच आपकी फ्रेशर जो होती है, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए सैलरी होती है 15 से 20 हज़ार रुपए तक। उसके बाद आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और स्किल के ऊपर, सारे जो मेडिकल फील्ड है उसमें पूरा स्किल के ऊपर डिपेंड है आपकी सैलरी। बिल्कुल, जितनी इम्प्रूवमेंट आप सिर्फ स्किल पे करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी सैलरी मिलेगी। तो जितना ज्यादा आप इम्प्रूवमेंट करोगे, जितना अच्छा आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा दोस्तों, उतना अच्छा पैसा बनता जाएगा। आपने हाईएस्ट कितनी सैलरी देखी होगी बीएससी कार्डियोलॉजी करने वाले को? जैसे हाईएस्ट अभी जैसे मैं अपने होम टाउन की बात करूँ तो हमारे यहाँ बीएससी कार्डियक केयर वैसे नया कोर्स है, तो इससे पहले हमसे पहले डिप्लोमा होल्डर थे, तो जैसे हमारे होमटाउन में एक भैया आए जिनसे मैंने पता करा था, तो वो डिप्लोमा होल्डर है, उनकी अभी सैलरी मेरे 45+ चल रही है। 45 एक्सपीरियंस उनको कितना है उनके पास, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस अभी हो चुका है। तो मतलब 5 साल के एक्सपीरियंस पे 45,000 पर मंथ की अर्निंग वो कर रहे हैं डिप्लोमा होल्डर है। तो मतलब कि आपका भी कोर्स काफी अच्छा होता है, रेडियोलॉजी के बराबर का ही कोर्स है, क्योंकि सैलरी बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। तो बहुत अच्छा कोर्स है कार्डियक केयर टेक्नीशियन, आप लोग भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में तो सबसे ज्यादा मेन एनाटॉमी होता है, और एनाटॉमी के साथ आपको क्या पढ़ना होगा? एनाटॉमी हमारा एनाटॉमी अलग अलग है। बिल्कुल। फिर उसमें साथ में बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी ये मेन है, और बाकी कार्डियक केयर क्लिनिकल, कार्डियक केयर एडवांस की लास्ट ईयर काफी सारे यहाँ पे बहुत सारे। और सर फिजिक्स का क्या सीन है यहाँ पे, काफी स्टूडेंट समझ करते थे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स एक सेमेस्टर में पढ़नी होती है मेरे ख्याल से 4 सेमेस्टर में, उसमें सिर्फ एक ईसीजी है, ईसीजी की जो वेव्स हैं उनको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, वो सारा फिजिक्स वाला है, बाकी तो और कुछ है नहीं फिजिक्स। तो मतलब फिजिक्स आपको सिर्फ एक सेमेस्टर में पढ़ना है, वो भी थोड़ा सा ही सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट करना होगा। तो फिजिक्स यहाँ पे थोड़ा ही स्टडी करना है दोस्तों आपको, बाकी स्टडी की बात करें तो बहुत अच्छी है नॉर्मली स्टडी आपको। और आपके यहाँ आप बता सकते हो कि आपका जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपको पासिंग मार्क कितना है और टोटल क्रेडिट मतलब टोटल मार्क्स कितने होते हैं?
वो तो यूनिवर्सिटी सेम है, आप भी लगा रखा हो। हमारी यूनिवर्सिटी सेम है दोस्तों, बिल्कुल आपको मैं भी बता दूं, क्योंकि हमारे कॉलेज से पढ़ते हैं तो 100 मार्क्स का पेपर होता है फाइनल पेपर, जिसमें 40 मार्क्स का कॉलेज की तरफ से होता है और 60 मार्क्स का होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो कॉलेज का जो मार्क्स होता है 40 इंटरनल, वो तो सभी कॉलेज में अच्छे मार्क्स सभी के लग जाते हैं, लेकिन जो 60 मार्क्स के यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं उसमें आपको जो पासिंग मार्क होता है 15 होता है, वो सभी के लिए 15 होता है। तो आप लोगों से उम्मीद रहती है अच्छी से पढ़ाई करो, अच्छी स्टडी करो और अच्छे रिजल्ट लाओ। और इस सेमेस्टर मन भाई ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है इनके लिए भी। और कार्डियक केयर टेक्नीशियंस भी अच्छा कोर्स है, आप लोग भी करिए। कोई आपको एडमिशन से रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए तो आपको यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, इंस्टाग्राम लिंक मिल जाता है, आप वहां से कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं। और ये वीडियो के लिए काफी ज्यादा डिमांड थी कि सर कार्डियोलॉजी पे कोई वीडियो बनाइए, तो मैंने आज कार्डियक केयर टेक्नीशियन ही बैठा दिया आपके सामने कि चलो कैसी भी वीडियो बनी, लेकिन आपके लिए मैं जो एकदम वीडियो लाऊंगा जेन्युइन वीडियो लाऊंगा, अच्छी जानकारी के लिए लाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों और अच्छे तरीके से देखना, कुछ ना समझ आए तो फिर से देख लेना दोबारा, उसके बाद अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अमन भाई की आवाज सुनो मेरी तेज है भाई, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाना है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नए वीडियो के साथ।